अस्सलाम वालेकुम बेटा, स्टैंडिंग वेव्स के पार्ट नंबर वन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स पार्ट टू। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं और जब कोई स्ट्रिंग डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट करता है तो वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा पोजिशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड्स क्या होती है और नोड और एंटी नोड किस जगह पर बनते हैं, नोड की पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करना है और एंटी नोड की पोजीशन को भी कैसे कैलकुलेट करना है ये भी देखेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन्स क्या हैं और हमने डिफरेंट हार्मोनिक्स के दरमियान में और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के दरमियान में कैसे रिलेशनशिप लेनी है। लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस क्या हैं और हम सोनोमीटर को भी डिस्कस करेंगे जो लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन को वेरीफाई करता है। इसके अलावा हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स और आर्गन पाइप्स को भी देखेंगे जिसके दो किस्म हैं, ओपन पाइप और क्लोज पाइप। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, तो आप पूरा टॉपिक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारी बातें डिटेल में समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे के मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी लेंथ है एल और ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों तरफ से फिक्स है, यानी इसके ये जो दोनों एंड हैं ये फिक्स हैं, यहां से भी और यहां से भी। तो याद कर लें हम ये जो स्टैंडिंग वेव्स और मोड ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ रहे हैं ये स्ट्रिंग के पढ़ रहे हैं और वो भी ऐसा स्ट्रिंग है जो दोनों तरफ से फिक्स है। आगे जाकर कुछ ऐसे स्ट्रिंग भी होते हैं जो एक तरफ से फिक्स होते हैं और एक तरफ से फ्री होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं ये आर्गन पाइप्स के अंदर भी बनती हैं। अभी सिर्फ हम ऐसे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जो दोनों तरफ से फिक्स होता है। तो अगर बेटा हम इस स्ट्रिंग को एल बाई टू से प्लग करें, यानी इसकी जो लेंथ है इसके लेंथ के हाफ से हम इसको प्लग करें तो फिर ये एक लूप में वाइब्रेट करता है। यानी अगर आपने किसी स्ट्रिंग को जो दोनों तरफ से फिक्स होता है एक लूप में वाइब्रेट करना है तो आप उसकी लेंथ के हाफ से प्लग करोगे। यानी अगर ये 6 मीटर का है तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3। तो जितनी भी लेंथ होगी उसके हाफ से जब आप प्लग करोगे तो ये एक लूप में वाइब्रेट करेगा। इसी तरीके से अगर आप इस स्ट्रिंग को इसके चौथे हिस्से से प्लग करो, यानी लेंथ बाय 4 से प्लग करो, तो फिर ये 2 लूप में वाइब्रेट करेगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप छठे हिस्से से प्लग करो यानी एल बाय 6, इसकी जितनी भी लेंथ होगी उसको 6 से डिवाइड करके वहां से प्लग करो, यानी अगर लेंथ है 12 तो 12 के 6 से क्या हो जाएंगे, 2। तो 2 मीटर से जब आप प्लग करोगे तो फिर ये 3 मोड्स में वाइब्रेट करेगा। तो आप इस सीक्वेंस को समझ रहे हो, यानी जितने भी लूप होते हैं उन लूप्स को डबल कर लो। यानी अगर यहाँ पर 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, इसी तरीके से अगर ये 3 है तो 3 का डबल 6 है। इसी तरीके से अगर हम इसको L बाय 8 से प्लग करेंगे तो ये 4 लूप में वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये 4 हैं तो 4 का डबल क्या है 8। यानी पता चला कि अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग को कितने भी लूप्स में वाइब्रेट करवाना हो तो अगर लूप है सपोज करो n, तो आप क्या करोगे उस n नंबर को डबल करके क्या करोगे, लेंथ के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। n अगर 4 है तो 4 का डबल हो गया 8, अगर n 3 है तो 3 का डबल हो गया 6। समझ में आ गया। तो किसी भी स्ट्रिंग को जो दोनों तरफ से फिक्स होता है उसको डिजायर्ड नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करवाने के लिए आपने क्या करना है कि जितने भी लूप्स हैं उन लूप्स की वैल्यू को डबल करके उस लेंथ के साथ आपने डिवाइड कर देना है। आगे चलते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स। अगर कोई स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करता है तो उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वो यहां पर बनता है एक और एक यहां पर बनता है, ठीक है। तो एक लूप में 2 नोड बनते हैं। बेटा ये भी याद कर लो कि ये जो फिक्स एंड होता है एंड पर हमेशा नोड बनते हैं,
ठीक हो गया, और इसमें एक एंटी नोड भी बनेगा। तो एक लूप में दो नोड और एक एंटी नोड बनता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो लूप हैं तो दो लूप में जो नोड बनेंगे, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर, तो दो लूप में तीन नोड बनते हैं, और इसी तरीके से दो एंटी नोड बनते हैं। तीन लूप होंगे तो तीन लूप में इसी तरीके से चार नोड बनेंगे और तीन एंटी नोड बनेंगे, और अगर चार लूप होंगे तो पांच नोड और चार एंटी नोड बनेंगे। तो यहां से हमने एक बात समझी कि अगर कोई स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स है और उसके अंदर स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बन रहा है, तो जितने लूप्स होते हैं एंटी नोड उसके एग्जैक्टली बराबर होते हैं। एंटी नोड एक तो लूप एक, ठीक है, दो तो दो, तीन तो तीन, चार तो चार, लेकिन जो नोड होता है ना वो लूप से एक ज्यादा होता है। जैसे यहां पर लूप तीन है तो नोड है चार, यहां पर लूप है चार तो नोड है पांच। आगे चलते हैं, यहां पर ये नोड टू नोड डिस्टेंस जो होता है, नोड से लेकर नोड तक जो दो कंसेक्यूटिव नोड्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो होता है लेमडा बाय टू, ठीक है। इसी तरीके से एंटी नोड टू एंटी नोड का डिस्टेंस भी लेमडा बाय टू होता है। तो दो लगातार एंटी नोड या दो लगातार नोड जो होते हैं इनका जो गैप होता है ये लेमडा बाय टू या हाफ वेव लेंथ के बराबर होता है। लेकिन जो नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस होता है, ये देखो ये नोड है और ये एंटी नोड है, नोड से लेकर एंटी नोड के दरमियान में जो गैप होता है वो होता है लेमडा बाय फोर। तो बेटा आगे जाकर ये काम आएगा कि नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड, ठीक है, लेमडा बाय टू, और नोड टू एंटी नोड जो है वो लेमडा बाय फोर, ठीक हो गया। अब अगर कोई स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो उसके अंदर दो नोड हो गए और एक एंटी नोड हो गया, ठीक है। अब ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है आप देख रहे हो नोड टू नोड तक है, तो नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है लेमडा बाय टू। तो याद कर लो, जब कोई स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करता है तो उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो लेमडा बाय टू के बराबर होती है, और यहां से अगर हम वेवलेंथ बना लें तो लेमडा किसके बराबर हो जाएगी 2L के। तो जब कोई स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करता है तो लेंथ लेमडा बाय 2 के और वेवलेंथ जो है वो 2L के बराबर होती है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फर्स्ट हार्मोनिक या एक लूप होता है इसके अंदर ये जो वेवलेंथ होती है ये बड़ी से बड़ी वेवलेंथ होती है जो स्ट्रिंग की लेंथ से डबल होती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है किसी भी स्टैंडिंग वेव की वो तब होती है जब वो स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करता है, ठीक है, और वो 2L के बराबर होती है। अगर स्ट्रिंग के अंदर दो लूप्स में वाइब्रेशंस हो रही हैं तो इसके अंदर आप ये देखोगे कि तीन नोड बनेंगे और दो एंटी नोड बनेंगे। तो अब ये इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक हो गई, तो ये लेमडा बाय टू यहां तक और लेमडा बाय टू यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा दो लेमडा बाय टू, तो लेमडा बाय टू और लेमडा बाय टू बराबर हो जाएगा फुल लेमडा, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रिंग दो लूप में वाइब्रेट करता है तो लेंथ पूरी वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी और वेवलेंथ जो है वो भी लेंथ के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग तीन लूप्स में वाइब्रेशन करता है तो इसके अंदर चार नोड्स बनेंगे और तीन एंटी नोड्स बनेंगे। अब लेंथ को मालूम करने के लिए देखो कि लेमडा बाय टू, लेमडा बाय टू और लेमडा बाय टू, तो ये कितने डब्बे हैं तीन, तो लेंथ हो जाएगी थ्री लेमडा बाय टू, तीन मरतबा लेमडा बाय टू है तो थ्री लेमडा बाय टू हो गया। या यहां से अगर हम वेवलेंथ निकालें तो वो हो जाएगी लेमडा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2L अपॉन 3 के बराबर। तो जर्नली हमने करना क्या है कि लेंथ को कैलकुलेट कैसे करना है,
कि बेटा जितने भी हार्मोनिक्स होंगे, आपको पता है एक हार्मोनिक में क्या होता है, लेमडा बाई टू। तो जितने भी हार्मोनिक्स होंगे हम उनको लेमडा बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर एक है तो लेमडा बाई टू अकेला है, यहां पर दो हैं तो जब यहां पर हम फार्मूले में टू पुट करेंगे तो टू टू में कैंसिल हो जाएगा तो लेमडा हो जाएगा। इसी तरीके से ये लेमडा बाई टू है और ये तीन हार्मोनिक हैं तो 3 लेमडा बाई टू। अगर चार चार हार्मोनिक होते तो 4 लेमडा बाई टू। तो किसी भी तार के अंदर जब वाइब्रेशंस होती हैं और स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बनता है तो उसकी जो लेंथ होती है ना वो लेमडा बाई टू मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आर मोड्स जिसमें वो वाइब्रेट कर रहा है उसके बराबर होती है। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए आप। यहां से अगर हम वेवलेंथ का फार्मूला बनाएं तो ये देखो 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा और n नीचे जा आ जाएगा तो लेमडा बराबर हो जाएगी 2L/N। बेटा ये दोनों जनरल फार्मूले हैं, तो जल्दी से अपने दिमाग में सोचा करो कि स्टैंडिंग वेव के अंदर डिफरेंट मोड्स के अंदर जो लेंथ है उसको हमने कैसे सोचना है, एन लेमडा बाई टू, यानी लेमडा बाई टू के साथ जितने भी मोड्स हैं उनको हमने कर देना है मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से इसको अरेंज करने से जो वेवलेंथ होती है वो 2L/3। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्ट्रिंग अगर 4 लूप में वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो फोर्थ हार्मोनिक की जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, तो आपने एन के बदले यहां पर 4 पुट कर देना है। तो 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो आप बोलोगे लेमडा इज इक्वल टू L/2। आ रही बात समझ में? तो आगे जाकर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो और भी आपको मजा आएगा। फिलहाल आप इन फार्मूलाज को डिस्कस करते आओ और अपने दिमाग में बिठाते जाओ ये सारे कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ नोड्स, यानी नोड कहाँ कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊं कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी फिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नोड्स बनेंगे यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर बनेंगे, 3 लूप हैं तो 4 नोड बनेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये जो नोड है ये कहाँ कहाँ पर बन रहा है। एमसीक्यू आते हैं ना ई केट में और एम केट में कि किस जगह पर नोड बनेगा, किस जगह पर नहीं बनेगा, किस जगह पर बन सकता है, किस जगह पर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये सारे अब आपके मसले हल हो जाएंगे। तो इसके लिए बेटा हम देखते हैं कि ये इसके अंदर वैसे एंटी नोड्स भी हैं लेकिन हम फिलहाल नोड्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो नोड है ये देखो लेंथ 0 से स्टार्ट होता है, 0 पर नोड बनता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बनेगा तो ये कितना है, ये हो जाएगा लेमडा बाई टू, ठीक है। तो लेमडा बाई टू पर भी ये देखो नोड बनता है और हर लेमडा बाई टू के बाद नोड बनता है, यानी ये 0 पर, फिर लेमडा बाई टू पर, फिर यहां पर लेमडा पर, फिर 3 लेमडा बाई टू पर। तो समझ में आया? तो लेमडा पर भी नोड बनेगा, 3 लेमडा बाई टू पर भी नोड बनेगा और अगर आगे दूसरे हार्मोनिक्स हैं तो 2 लेमडा और 5 लेमडा बाई टू। यानी नोड की पोजीशन को मालूम करने के लिए आपने 0 से स्टार्ट होना है और फिर लेमडा बाई टू इंक्रीज करते जाना है। तो नोड की जो जनरल पोजीशन है वो एन लेमडा बाई टू हो जाएगी और यहां पर एन जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये होल नंबर है। जैसे जो शुरू वाला नोड होता है वो 0 पर होता है तो आप जब यहां पर 0 पुट करोगे तो पहला नोड तो 0 पर ही मिलेगा और फिर यहां पर दूसरा 1 पुट करोगे, दूसरा नोड लेमडा बाई टू पर मिलेगा, फिर यहां पर आप 2 रखोगे तो 2, 2 में कैंसिल हो जाएगा तो जो तीसरा नोड है वो लेमडा पर मिलेगा, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड नोड जो है, तो जितना भी नोड है उसका नंबर आपने यहां पर पुट कर देना है तो आपको उसकी पोजिशन जो है वो मिल जाएगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स कहाँ पर होती है, यानी एंटी नोड्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो बेटा अगर आप इसी में देखो कि ये जो एंटी नोड है यहाँ पर तो हो गया 0 और फिर नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाय 4। तो ये जो पहला एंटी नोड है ये ओरिजिन से लेमडा बाय 4 डिस्टेंस पर होता है,
ठीक है, लेमडा बाय फोर। अब आगे फिर यहां तक एक और लेमडा बाय फोर, तो क्या हो गया, लेमडा बाय फोर और ये लेमडा बाय फोर, कितना हो गया, टू लेमडा बाय फोर। और फिर यहां से नोड से लेकर इस एंटी नोड तक एक और लेमडा बाय फोर, ठीक है, तो ये कितने लेमडा बाय फोर हो गए, थ्री लेमडा बाय फोर। तो ये जो दूसरा एंटी नोड है ये थ्री लेमडा बाय फोर पर होता है, और इसी तरीके से तीसरा चौथा, ये तीसरा जो होगा ये फाइव लेमडा बाय फोर पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां तक फोर लेमडा बाय फोर और फिर यहां तक आगे फाइव लेमडा बाय फोर हो जाएगा। तो अगर हम जर्नली इसको देखें तो आप देखोगे कि ये लेमडा बाय फोर के साथ एक आड नंबर लगा हुआ है, जैसे पांच, तीन, एक, और आगे अगर होगा सात होगा, ठीक है, नौ होगा। तो आड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, टू एन माइनस वन, ठीक है, तो टू एन माइनस वन जो है ना वो ऑटोमेटिकली वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये बना देता है। तो यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स, यानी अगर आप पहला एंटी नोड देखोगे वन वाला, तो यहां पर वन पुट करोगे तो वन टू जा टू, टू माइनस वन वन, तो बाकी क्या बचेगा, लेमडा बाय फोर, तो पहला नोड यहां पर बनेगा। इसी तरीके से जब आपने दूसरे एंटी नोड की पोजिशन देखनी है तो यहां पर दो पुट करोगे, टू टू जा फोर हो गया, फोर माइनस वन तो ये हो जाएगा थ्री, तो थ्री लेमडा बाय फोर। आ रही बात समझ में, ठीक है बेटा। तो जर्नल फार्मूला जो हो गया एंटी नोड का वो बराबर है टू एन माइनस वन लेमडा बाय फोर के। तो इस कॉन्सेप्ट में रखना है कि यहां पर एन जो है वो वन से स्टार्ट होता है और यहां पर जो एन है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमें ये बताता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वो लेंथ दे देता है 12 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर लेंथ दे देता है तो वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ और लेंथ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है कि लेमडा जो होती है वो 2L अपॉन N। लेकिन इसके लिए हमें नंबर ऑफ लूप्स का पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करेगा, दो में, तीन में। तो डेटा में हमें बताता है कि ये चार लूप में वाइब्रेट करता है, तो मसला ये आसान हो गया, ठीक है। हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, चार, तो वन टू जा टू, टू टू जा फोर, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, L बाय टू के, और लेंथ जो है वो हमें मिली हुई है 12 सेंटीमीटर। तो 12 को जब हम दो से डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने वेवलेंथ को निकाल लिया, और जब हम वेवलेंथ निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि नोड कहां कहां पर हैं और एंटी नोड कहां कहां पर हैं, नोड कहां कहां पर हैं और एंटी नोड कहां कहां पर हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नोड होते हैं वो इन पोजीशंस पर होते हैं और एंटी नोड्स जो हैं वो इन पोजीशंस पर होते हैं। तो क्योंकि नोड और एंटी नोड वेवलेंथ के हिसाब से होते हैं इसलिए हमने सबसे पहले वेवलेंथ को निकाला, ठीक हो गया। अब जो पहला नोड होता है वो तो होता ही जीरो पर है, ठीक है, या जनरल फार्मूला भी अगर आप देखो तो ये होता है एन लेमडा बाय टू। तो पहला जो नोड होता है वो तो जीरो पर होगा ना, एन की वैल्यू नोड में जीरो से स्टार्ट होती है, तो भाई पहला जो है वो जीरो पर हो गया, ठीक है, पहला नोड। अब दूसरा जो होता है वो लेमडा बाय टू पर होता है। अब लेमडा है सिक्स, तो सिक्स का हाफ क्या हो गया, थ्री सेंटीमीटर। तीसरा लेमडा पर होगा तो क्या हो गया, सिक्स सेंटीमीटर। चौथा जो है वो थ्री लेमडा बाय टू पर है, तो थ्री लेमडा बाय टू, तो लेमडा क्या है, सिक्स, तो थ्री सिक्स एटीन, और एटीन को दो से डिवाइड करोगे तो नाइन, ठीक है। आपको पता है चार हार्मोनिक हैं तो पांच नोड बनने हैं, तो चार तो यहां पर बन गए, और जो पांचवा है वो आपको पता है टू लेमडा पर बनेगा, तो टू लेमडा कितना हो जाएगा, बारह, ठीक है। तो जीरो पर, तीन पर, सिक्स पर, नाइन पर और बारह पर, ये जो स्ट्रिंग है ये 12 सेंटीमीटर लंबा है, तो जीरो पर, तीन पर, छह पर, नौ पर और बारह पर जो हैं वो नोड्स बनेंगे, समझ में आ गया। इस तरीके से आपने करना है। ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे यहां पर लिख दे, एक ऑप्शन लिख दे चार और बोल दे कि किस जगह पर नोड नहीं बन सकता, तो आपके पास ये सारी पोजीशंस पर नोड बन सकता है पर चार सेंटीमीटर पर नोड नहीं बन सकता, ठीक है। ये डेटा पर डिपेंड करता है कि लूप्स कितने हैं
और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो फिर वहां पर आपने पहले वेवलेंथ निकाल कर और इस डेटा के हिसाब से डिसाइड करना है कि नोड कहां पर होंगे। और इसी तरीके से अब देखते हैं कि एंटी नोड कहां पर होंगे। तो बेटा एंटी नोड का जो जर्नल फार्मूला है वो है 2n-1λ/4, ठीक है। और यहां से भी आप देख लो कि पहला बनेगा लेमडा बाय फोर पर, फिर 3λ/4 पर, ठीक है। ऐसे याद है फिर भी सही है, नहीं तो एंटी नोड के हिसाब से हमने एन वन से स्टार्ट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 1 1 -1 1, तो ये पहला जो है वो लेमडा बाय फोर पर बनेगा। इसी तरीके से आप 2 पुट करोगे तो ये 3λ/4 हो जाएगा। तो पहला जो एंटी नोड है वो बनेगा लेमडा बाय फोर पर। अब लेमडा है 6, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो पहला है इसमें तो 3 है, अगर ये 4 लूप्स में वाइब्रेट करता है तो कितना होगा बेटा, 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा है वो बनेगा 3λ/4 पर, सही है। तो लेमडा है 6 और 6 को करो ट्रिपल पहले तो 18, 18 को बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो 4.5। इसी तरीके से फिर 5λ/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 और फिर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 एंटी नोड्स बनेंगे। आपको पता है 4 हार्मोनिक में 4 ही एंटी नोड्स बनते हैं, नोड एक ज्यादा होता है, एंटी नोड बराबर होते हैं नंबर ऑफ लूप्स के बराबर। तो अब इन पोजीशन पर नोड बन सकते हैं, सॉरी इन पोजीशन पर एंटी नोड्स बन सकते हैं। बेटा ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि थर्ड एंटी नोड कहां पर बनेगा, तो फिर एग्जैक्टली आपने थर्ड की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यानी यहां पर 3 पुट करके डायरेक्टली 7.5 सेंटीमीटर निकालना है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप नोड और एंटी नोड की पोजीशन को मालूम कर सकते हो। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स ये क्या होते हैं और इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको समझने के लिए हमें जर्नल एक वेव की वेलोसिटी का फार्मूला आता है कि v इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है, v जो है वो म्यू लेमडा के बराबर होता है। और बेटा अगर हम इसको रीअरेंज करें तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी v अपॉन लेमडा के, ठीक है। ये लेमडा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। अब क्योंकि हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की बात कर रहे हो और स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बनती हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। और वेवलेंथ का जनरल फार्मूला आज हमने स्टैंडिंग वेव में पढ़ा कि वो 2l/n के बराबर होता है, सही हो गया। अब अगर हम वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पुट कर दें तो ये कैसे होने वाला है। अब आप देखो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी, तो ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू ये क्या है, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ सेम, और नीचे क्या होना था लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू थी 2l/n, तो एन ने यहां पर आ जाना था तीसरे नंबर पर आपको पता है तीसरे नंबर से फिर वो ऊपर आ जाता है यहां पर। तो फ्रीक्वेंसी का जो जर्नल फार्मूला बन जाता है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन अपॉन 2l अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। यहां पर ये जो n है ये नोड या एंटी नोड नहीं है, यहां पर इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लूप्स कौन सा है, ठीक है, समझ में आया। जैसे अगर हमारे पास एक लूप होगा, ठीक है, तो एक लूप में हम n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे ना। तो फिर क्योंकि जर्नल फार्मूला है एफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2l टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, तो अगर 1 लूप के लिए हम n की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दें तो फिर ये यहां पर हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 2l टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या एफ वन, समझ में आया। तो जब कोई तार दोनों तरफ से फिक्स हो और वो एक लूप में वाइब्रेट करती है तो हम उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या सिंपलेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो एफ वन 1/2l टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। बेटा ये टी अपॉन म्यू जो है ये वेलोसिटी है,
इसलिए हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को वी अपान टू एल भी लिख सकते हैं। सही हो गया। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है, तो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी कम से कम तब होती है जब वो एक लूप में वाइब्रेट करे। अब अगर दो लूप्स को देखें, तार अगर दो लूप्स में वाइब्रेट करेगी तो फिर क्या होगा, फिर हमने n की वैल्यू यहां पर 2 पुट करनी है और आप देखोगे कि बाकी ये जो है ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, 2l अपॉन टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इस 2 को बाहर निकाल लें तो फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, 2f1 के। सही हो गया। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, यानी अगर फंडामेंटल 4 तो सेकंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8। समझ में आया, इंटीग्रल मल्टीपल। इसी तरीके से अगर तीन हार्मोनिक्स हैं तो यहां पर n की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है और ये 3 हो जाएगा यहां पर, तो बाकी सारा तो f1 है, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 3f1 हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जितने भी लूप होंगे हम उसका नंबर आगे मल्टीप्लाई करके और f1 यहां पर कर लेंगे, क्योंकि बेटा ये n है, ठीक है, और ये सारा क्या है f1। तो nth लूप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमने पहले भी पढ़ी है कि nth लूप की जो वेवलेंथ होती है जर्नल फार्मूला वो है 2l अपॉन n, पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ लूप। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लूप की बात करते हो तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और फर्स्ट लूप की जो वेवलेंथ होगी वो 2l के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप देखो कि लेमडा 1 जो है वो 2l के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेकंड लूप की बात करते हो, सेकंड हार्मोनिक की बात करते हो, तो यहां पर 2 पुट करना पड़ेगा और 2 2 में हो जाएगा कैंसल, तो सेकंड लूप के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो l के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड हार्मोनिक है तो थर्ड हार्मोनिक में n वैल्यू 3 हो जाती है, तो लेमडा जो होता है वो थर्ड हार्मोनिक का वो बराबर हो जाएगा 2l/3 के। सही है। तो जर्नली जर्नल फार्मूला क्या हो गया, 2l/n। तो याद कर लो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो nf1 और वेवलेंथ जो है वो 2l/n। एक बात और समझ लो कि फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी कम से कम होती है और फिर डबल ट्रिपल 4 टाइम्स इंक्रीज होती जाती है, लेकिन फिर वो इंक्रीज जो है वो टेबल की तरह होती है, यानी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। सिमिलरली वेवलेंथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट हार्मोनिक में होती है और फिर आस्ते आस्ते कम हो जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बताओ कि वेवलेंथ कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो बेटा एक तो आपने माइंड में ये रखना है कि 2l से बड़ी वेवलेंथ पॉसिबल नहीं होती, ये भी फर्स्ट हार्मोनिक में ऐसी होती है। और उसके बाद ऐसी वेवलेंथ पॉसिबल होती हैं जिसमें यहां पर n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कोई इंटीजर हो, यानी 2l/1 पॉसिबल हो सकता है, 2l/2, 2l/3, 2l/4। कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसमें n यहां पर फ्रैक्शन आ जाए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और nth लूप की जो फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान में तो हमने ये रिलेशनशिप देखी, यानी fn = nf1। तो अगर कोई हमें बोलता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 4 हर्ट्ज, तो अब नेचुरल सी बात है कि सेकंड फ्रीक्वेंसी 8 होगी, थर्ड फ्रीक्वेंसी 12, फोर्थ जो है वो 16 और फिफ्थ जो है वो 20 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यानी ये जो दूसरे हार्मोनिक्स होते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये टेबल की तरह इंक्रीज होती है, 4, 8, 12, 16, 20। ऐसे सवाल आ जाते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4 है तो ये स्ट्रिंग किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई 8 के साथ, 12 के साथ, 16 के साथ, 20 के साथ। देखो जो टेबल में नहीं आएगा, जैसे 14 है, 15 है, उसके साथ तो वाइब्रेशंस नहीं कर सकता। अब यहां से अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ ले
तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ एन अपान एन, ठीक है। तो यहां पर अगर बोलता है कि ये जो फिफ्थ लूप की फ्रीक्वेंसी है वो है 20, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यहां पर ये क्या है एफ एन, यानी फिफ्थ लूप की फ्रीक्वेंसी है 20 और लूप क्योंकि कितने हैं 5, तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां से ऑटोमेटिकली कितनी निकल आएगी, 20/5, और ये बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए कि एक स्ट्रिंग जो है वो 8 लूप में वाइब्रेट कर रहा है और 8 लूप में उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपने यहां से ही उसको रीअरेंज करके और वैल्यूज पुट करनी है, ठीक हो गया। अब इसमें अगर पूछे कि सिक्स्थ जो है हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो सिंपल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा 4, तो फंडामेंटल मिल गई, तो फिर सिक्स की क्या होगी, टेबल ही पढ़ना है, तो 6 4 क्या हो जाएगा 24 हर्ट्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मालूम कर लिया करो और उसके बाद जितने भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपने उतने के साथ उतनी मर्तबा टेबल रीड करना है। तो n की वैल्यू जो है वो एफ एन अपान एफ वन के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ गया। तो अगर कोई बोलता है हमें कि फिफ्थ लूप की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्स, ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 4 हर्ट्स, ठीक है, तो बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लूप्स कितने हैं, ठीक है, तो लूप्स का फार्मूला आपको आता है। अब आप वैल्यूज पुट कर दोगे और देखोगे कि फिफ्थ लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 और F1 जो है वो है 4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ लूप्स बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए 5। हार्मोनिक और ओवरटोन इनको थोड़ा सा आपने समझना है बेटा, जितने भी हार्मोनिक होते हैं ना उनमें से अगर आप एक कम कर लो तो वो ओवरटोन हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स -1 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ओवरटोन के। मिसाल के तौर पर अगर 5 हार्मोनिक हैं या फिफ्थ हार्मोनिक है तो फिर ओवरटोन कितना होगा 4, ठीक है, तो 1 माइनस करने के बाद ओवरटोन हो जाते हैं, यानी 5 हार्मोनिक हैं तो 4 ओवरटोन, 6 हार्मोनिक हैं तो 5 ओवरटोन, 10 हार्मोनिक हैं तो कितना हो जाएगा 9 ओवरटोन। इसी तरीके से अगर आप ओवरटोन में एक प्लस कर दोगे तो फिर हार्मोनिक बन जाएंगे। अगर मैं बोलूं 4th ओवरटोन है तो 1 प्लस करके आपने बोलना है 5 हार्मोनिक है, 9th ओवरटोन है 10th हार्मोनिक है, 7th ओवरटोन है 8th हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक में से एक कम करके ओवरटोन बना लिया करो और ओवरटोन में अगर आप एक प्लस कर दोगे तो नंबर ऑफ हार्मोनिक भी बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर एक सम करते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, ठीक है, तो बताओ इसके 4th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फंडामेंटल है 4, ठीक है, 4th ओवरटोन की कितनी होगी। अच्छा बेटा, ये जो कैलकुलेशंस हैं या ये जो फार्मूले हैं ना, ये ओवरटोन के हिसाब से सेट नहीं हुए, ये हुए हैं हार्मोनिक के हिसाब से। यहां पर n जो है ना, ये n जो है ये नंबर ऑफ हार्मोनिक है, नंबर ऑफ ओवरटोन नहीं है, इसलिए फार्मूले को लगाने से पहले आपने ओवरटोन में से हार्मोनिक बना लेने हैं। मिसाल के तौर पर ये 4th ओवरटोन है ना, तो 1 प्लस करके हार्मोनिक कितना बन जाएगा 5th हार्मोनिक, तो हमें पता है कि 4th ओवरटोन बराबर हो जाएगा 5th हार्मोनिक के, तो अब आसान है, ठीक है, कि देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 4, तो 4th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और 4th ओवरटोन क्योंकि 5th हार्मोनिक के बराबर है, तो 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो ऑटोमेटिकली 4th ओवरटोन की मिल जाएगी। अब ये जो 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हमें पता है एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, ठीक है, तो ये जो 5th की होगी उसके लिए हम क्या कर देंगे 5 F1, तो 5 और F1 कितना है 4, तो 5 4 20, तो 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और 4th ओवरटोन 5th हार्मोनिक के बराबर है, तो 4th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी भी 20 हो गई, ठीक हो गया। 3rd ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है 12, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो वंस अगेन इसको आपने हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करना है। आपने सोचना है कि 3rd ओवरटोन जो है ये बराबर होता है 4th हार्मोनिक के, ठीक हो गया,
तो फोर्थ हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 बता रहा है, तो ये फोर्थ हार्मोनिक 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हार्मोनिक कितना है 4, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी 3 हर्ट्ज। ठीक है, चलो एक और सम करते हैं कि अगर कोई पूछे कि बताओ फिर सेवंथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये यहां पर बताई है, तो सेवंथ ओवरटोन की कितनी होगी। तो सेवंथ ओवरटोन डायरेक्ट नहीं सोचो, आप सोचो कि सेवंथ ओवरटोन जो है उसमें अगर हम एक प्लस कर दें तो हार्मोनिक कितने हो जाएंगे, एट्थ। यानी एक्चुअली ये एट्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो अब एट्थ हार्मोनिक के लिए आपने सिंपली क्या करना है, एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, तो एफ एट जो होगा वो एट एफ वन के बराबर हो जाएगा, और एफ वन तो है 3, तो 3 एट जा कितना हो जाएगा, तो एट्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 24। तो एट्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जब आपने निकाली तो ऑटोमेटिकली सेवंथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी भी निकल गई। ठीक है, तो ओवरटोन्स को हार्मोनिक्स में कन्वर्ट करके फिर आप ये फार्मूले लगा सकते हो।